अस्सलाम वालेकुम आज हम बात करेंगे कट पीसेस के बारे में कट पीसेस कहाँ मिलते हैं कट पीसेस कौन कौन से कट पीसेस हैं कट पीसेस का ख़रीद फरोख्त कैसा है करना कैसा चाहिए और कट पीसेस में कौन सा किस किस तरीके से बेचा जाए कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए उसमें से या कट पीसेस को किस तरीके से ऐसे बेचे कि बंदा नुकसान से बचे और पैसे कमाए जाए तो इस पर दो तीन वीडियोज़ बनेगी क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी होगी तो आज जो वीडियो है फिर कल होगी फिर परसों तो आज शुरू करते हैं कट पीसीज़ का कौन सा मतलब अकसाम क्या है कट पीसिस देखें जो आ, मर्दाना जेंट्स का शर्ट्स का है वो अलग कट पीसीज़ होते हैं उसमें सादा होते हैं उसमें चेक डिज़ाइन होते हैं उसमें पुल डिज़ाइन होते हैं जिस तरह आज यंग जनरेशन जिस तरह पेंट के साथ जो टी शर्ट पहनते हैं एक वो कट पीस हुआ एक ऐसे कट पीस भी है जिससे पूरा सूट बन जाता है बच्चों के सूट बन जाते हैं बड़ों के सूट बन जाते हैं वो कट पीसेस अलग है और एक वो कट पीसेस है जो बच्चों के लिए अजीब अजीब किस्म के डिज़ाइन होते हैं और चेक डिज़ाइन जिस तरह बड़े लोग उससे नहीं पहनते बच्चियों के जो डिज़ाइन होते हैं वो तकरीबन एक अजब अलग सा होते हैं और जो बड़ों के डिज़ाइन होते हैं फूल वगैरह वो अलग से होते हैं वो डिफरेंट क्वालिटी है उसमें भी कट पीसेस होते हैं जो बच्चों के हैं जो बड़ों के हैं उसमें भी आ, कट पीसेस जो बड़ों का जो डिज़ाइन होता है जो वो लोग बड़े लोग पसंद करते हैं जो लेडीज़ लोग और आ, अब इसके अकसाम ये है कि पाकिस्तानी कट पीसेस जो है जो अपना पाकिस्तान का बना हुआ कपड़ा होता है उसमें जेंट्स भी आता है और लेडीज़ भी है लेडीज़ में ख़ास तौर पे लॉन गर्मियों में चलता है उसमें कट पीसीस मिलते हैं और फिर जो सर्दियों में लेलन और मरीना वो पाकिस्तानी भी है और बाहर की भी है यानी कोरिया का चाइना का लेलन मरीना बाहर से आता है वो फिर सूट उसका कटिंग करके बाद में जो पीसेस बच जाते हैं वो इकट्ठा करके और उसका फिर जमा करके बेच दिया जाता है वो कट पीसेस अलग है अच्छा और एक पलची का जो है बाहर से आता है जो ज़्यादातर चाइना का पलची है उसमें कट पीसेस मिल जाते हैं और वेलवेट का जो है कट पीसेस वो आते हैं बाहर से उसमें भी कट पीसेस मिल जाते हैं फिर प्रिंटेड शेपून हुआ कढ़ाई शेपउून हुआ और ब्रोशा शैपून हुआ उसमें जो पेवर सिल्क है उसमें भी कट पीसेस मिल जाते हैं और पोलिस्टर होता है खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन के उसमें भी जो है ना आ, आ, चाइना का भी है पाकिस्तान का भी है कोरिया का भी है यानी बाहर से भी आ जाते हैं और पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं अब बाहर से जो कट पीसेस आते हैं बिल्कुल श्योर वो आते हैं हमने ख़ुद कई बार ख़रीदा है चाइना का जो वेलवेट के पीसेस चाइना के पलची के पीसेस और चाइना की पेवर सिल्क के कट पीसेस ये पूरा काम मैं कर चुका हूँ और मैं ख़रीदता रहता हूँ अभी भी ख़रीदता हूँ पिंडी में जब मेरा दुकान था तो मैं उस टाइम बहुत कट पीसेस मेरा काम उधर बहुत था और मैं हर किस्म का कट पीसेस ख़रीदता था तो इसके अलावा जो है अब ये कट पीसेस किस रेट पे मिलेंगी ये कट पीसीज़ पर कितने का बेचना चाहिए ये कट पीस कहाँ से मिलेंगी और पूरा जो इसका और दूसरा जो तफसी है वो इस वीडियो में नहीं बनेगा अगले वीडियो में फिर इसके अलावा मैं और जो मालूम है आपको देता रहूँगा बेशक तीन वीडियो बने चार वीडियो बने पूरा जो कट पीस का जो रोज़गार है कारोबार है उसमें आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा ताकि अलीब से ये तक ए टू जेड आपको पूरा पता चल जाए मालूम हासिल करें आप फिर आप लोग उसमें से उसका जो कारोबार है आप आसानी से स्टार्ट करेंगे और इन आपको फायदा होगा नुकसान नहीं होगा और इससे कौन कौन सा काम लिया जाता है इसको किस तरीके से बेचना बेचना चाहिए किस तरीके से ख़रीदना चाहिए वो पूरा मैं तफसी के साथ आपको समझाऊँगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में इनशाला खुदा हाफिज़